हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ चुकी हूँ एक बार फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एमी वर्मन टाई का फाइनली 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 सॉन्ग आ चुका है एंड गाने का नाम है रोको 2MG। ओके, सो लेट्स गो सुनते हैं और रिएक्ट करते हैं। मैं थोड़ा घर से बाहर हूँ, सो कैमरा क्वालिटी एंड थोड़ा वीडियो अगर ऐसे ऐसे हिले तो मैनेज कर लेना, बिकॉज आप लोग के लिए मैं अभी ही कर रही हूँ रिएक्शन। मेरे से वेट नहीं होगा, ना ही मुझसे वेट होगा गाने सुनने के लिए और ना ही आप लोग से वेट होगा मेरा रिएक्शन देखने के लिए। सो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। मेरा बकवास करते हैं, लेट्स गो। वीडियो नहीं है इसकी, मौज कर बेटे, मौज कर। मैं okay. तो मौज कर रहा हूँ बचकाने। क्या बोला, मेरे चक्कर मत पड़ा, मैं मेरे चक्कर पड़ेगा टक्कर पड़ेगी। क्या बोल रहा हूँ, यार एबी वैसे पंगा बहुत भारी पड़ सकता है, बिकॉज वो लिरिक्स में किसी को भी हरा सकते हैं। बस उनको डिस करने के लिए, किसी को रिप्लाई करने के लिए 1 से 2 दिन लगते हैं। उन्होंने अपने स्टोरी में बताया था कि उनकी तरफ से क्यों लेट हुआ है, सो समझ सकते हैं हम कि इंटरव्यू में बकचोदी लंजे से स्माइल, तू रैपर है सही बोला रैपर है, झूठ करे रैप और सो करे एल्युमिनियम फॉइल। हां माफ़ पे तू गया अभी, बाप पे भी सुन, लोग बोले तेरे बाप को हमारी उनकी जींस, बच जाती इज्जत तू पैदा ना होता तो का। भाई वहां से जो ड्रॉप किया था ना, आई मीन स्विच किया था स्टैनी को, तो किंग की तरफ से कुछ चीजें आई थी जो सभी ने सुनी है, ठीक है। तो उसका रिप्लाई है ये, उसका काउंटर है तेरा पैक करू वॉकिंग क्यूटीएस बेटा स्पीड का मैं हसल किंग, मुझे लोगे टच में सिवाय के और रिस्क भी डाल रहा। मैनेजमेंट तेरी कांटेक्ट करी जिसे कांटेक्ट करी, पब्लिक कॉल बैक करी, बोली फटी बड़ी इनके मालूम है कैसे टाइप पकड़ता मैं मर्डर माइक जिसे कॉनराड मरी। हां मौज कर अकेले इमेज ना कर स्पॉइल इंटरव्यू में बकचोदी लंजे से स्माइल, तू रैपर है सही बोला रैपर है, झूठ करे रैप और सो करे एल्युमिनियम फॉइल। हां माफ पे तू गया अभी, बाप पे भी सुन, लोग बोले तेरे बाप को हमारी उनकी जींस, बच जाती इज्जत तू पैदा ना होता तो काश तेरा बाप ना होता, ना होता जींस। झुंड में आ रहे कुत्ते करे साजिश है, अकेले खड़ा हूं फिर भी हटाने खिचड़ी बात तो मैं ध्यान नहीं डालता, जा खिचड़ी खा बेटा क्योंकि बहन इधर बीफ है। झूम में आ रहे कुत्ते करे साजिश है, अकेले खड़ा हूँ फिर भी हटा नहीं पीछे। खिचड़ी बात तो मैं ध्यान नहीं डालता, जा खिचड़ी खा बेटा क्योंकि बहन इधर। मेरी एक आदत है नंबर वन रैपर बन के रहना, मेरा एडिक्शन। सही बोला तूने, इस गैप इज बिग क्योंकि मेरी चट्टू ले मेरा एडिक्शन। सिर्फ गाने का बचकाने तुझ पे जस्ता नहीं, रैपिंग करना छोड़ प्लीज झाटू। बात है गैप की, सोचा उस गैप में तेरे लिए जाके एक। भाई यार एमी वैसे पंगा भारी तो पड़ता है भाई, किसी को भी कोई भी हो आगे उसको थोड़ा तो लगता है यार। ये रिप्लाई सुन रहे हो, मतलब भाई खतरनाक। अगर बंदा अगर इस ऐसे रिप्लाई के लिए अगर इतना टाइम वेट करता है ना, तो सेटिस्फाई होता है सुन के कि अभी जो ड्रॉप किया है उन्होंने, फायर रहना मेरा एडिक्शन। सही बोला तूने, इस गैप इज बिग क्योंकि मेरी चट्टू ले मेरा एडिक्शन। सिर्फ गाने का बचकाने तुझ पे जस्ता नहीं, रैपिंग करना छोड़ प्लीज झाटू। बात है गैप की, सोचा उस गैप में तेरे लिए जाके एक जींस ला दूं। परसेंट में कट कमा के बचकाने बात कर रहा, इधर रैक्स और रिचेस 100% सब चीज में कमा रहा मैं, भरा फुल स्टैक्स में बिचेस। गाली ये देना तो जानता है, माँ को छोड़ दे वरना फिर ऐसी की कैसी है। वैसे मैं जुआ प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन आज खेलू सिचुएशन कुछ ऐसी है। उनके नाम इसका लगता है, इसे पता नहीं जिंदगी इसकी तो रम्मी जैसी है। मैं भी फुल डीट बनूंगा महीप, ए बाबू ये बता मम्मी कैसी है। ज्यादा ज्यादा बस यही बोलूंगा मिले अली। यार एमी वे का जो टोन होता है ना आगे वाले को मारने का, वो कातिलाना होता है। जो सुनो आप, गाली ये देना तो जानता है, माँ को छोड़ दे वरना फिर ऐसी की कैसी है। वैसे मैं जुआ प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन आज खेलू सिचुएशन कुछ ऐसी है। उनके नाम इसका लगता है, इसे पता नहीं जिंदगी इसकी तो रम्मी जैसी है। मैं भी फुल डीट बनूंगा महीप, ए बाबू ये बता मम्मी कैसी है। ज्यादा ज्यादा बस यही बोलूंगा
मिले एली ने जब भी रैप में दे वॉन अ प्ले आजा खेलने मेरा यू बार है बेटर देन यू रिप्रेजेंट करू एंड तेरा ट्रेंड बेटा लुक हाउ आई प्रे डाला डी इनके मुंह में नाउ इट्स फक व्हाट दे से क्या और रुका है मैं कुछ बोलूंगा रुक बोलता हूं जब इंसान की गांड फटती ना तो इंटरव्यू में ऐसे दिखता है भाई क्या बोला मैं इंडिपेंडेंट नहीं तू प्रूव तो कर आयबा अपुन भी करेंगे कौन अपुन किधर क्या कैसा इंस्टाग्राम रैपर है लोग बाकी तब तक आप लोग जरा खाओ पब्लिक इसके माँ का आपको लोग उधर ही पिशाब कर देगा ये मिलता हूँ पीस आउट भाई ये होता भाई ये होता रिप्लाई अगर रिप्लाई बंदा करे तो इस तरीके का करे भाई इतना इसने इंतजार करवाया ना इस डिस रिप्लाई ने इतना इंतजार करवाया ना इतना तो भाई कभी मैं वेट नहीं की किसी चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतजार था कि एमी भी अपनी तरफ से क्या ड्रॉप करे बिकॉज उसमें उस गाने का लेवल अच्छा था बहुत बढ़िया था तो मुझे था कि इसको कैसे मिस कर सकते हैं एमी भी तो मुझे उम्मीद था कि आएगा और आया मुझे बहुत मज़ा आया थोड़ा सा बाहर हूँ एंड बहुत आई मीन रिलेटिव के आई हूँ और बहुत रात हो चुका है समझ रहे हो घर में मैं होती ना भाई ये इसका डबल रिएक्शन निकलता मेरा लेकिन अभी सब सो चुके हैं चिल्लाऊंगी तो मेरे पे चिल्लाना हो जाएगा समझना है इस चीज़ को थोड़ा बहुत ख़तरनाक डिस था रिप्लाई बहुत अच्छा है कि आप लोगों को क्या लगता है बताना आगे से रॉको का आई मीन किंग का कुछ आएगा रिप्लाई या नहीं आएगा ये डिस आगे जाएगा या नहीं जाएगा देखते हैं क्योंकि अगर गया भाई तो सीन तो ख़तरनाक होने वाला है सो आप लोग कमेंट में बताना क्या होने वाला है एंड एमी वे ऑलवेज किल करते हैं फ्लो को बहुत बढ़िया था रिप्लाई बहुत मज़ा आया सुन के आप लोग को अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड जो भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी तो मैनेज कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए टाटा गुड बाय।